प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बिल्कुल ही नए वीडियो को लेकर आपने के सामने हाजिर हो चुका हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय को लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं कबीर की साखी और कबीर के पद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और अति लघुतरीय प्रश्नों का वर्णन करूंगा। आप इसे अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा, जो आपके 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म हुआ था तो इनका जो जन्म, देखिए यहाँ पे जो सही का निशान लगा हुआ है वही सही आंसर है, 1398 ईस्वी में। कबीर को कहाँ पाया गया था, तो लहर तारा तालाब के पास। चलिए तीन नंबर देखिए, कबीर दास का जन्म हुआ था तो काशी में। कबीर का पालन पोषण किस परिवार में हुआ था, तो जुलाहा परिवार में। कबीर के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम रामानंद है। कबीर की विचारधारा मानने वालों को क्या कहा जाता है, तो कबीरपंथी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर में। कबीर किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे, तो ज्ञानाश्रय भक्ति धारा। कबीर दास जी ने जीवन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है, तो गुरु को। कबीर किसके उपासक थे, तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा राम के। कबीर दास की काव्य भाषा क्या है, तो साधु कड़ी। कबीर दास के अनुसार सच्चा गुरु कौन है, तो जो हमारे अंतःकरण को ज्ञान ज्योति से ज्योतिर्मय कर देता है। कबीर दास जी किसके विरोधी थे, तो मूर्ति पूजा के। कबीर दास जी ने अंधा किसे कहा है, तो अज्ञानी को। कबीर के अनुसार सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, तो ईश्वर की कृपा से। चलिए, कबीर के अनुसार साधु की संगति है, कभी निष्फल नहीं होती। कबीर ने साधु किसे कहा है, तो सज्जन को। कबीर के अनुसार हमारे अंदर हरि की कृपा होने पर हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम की संकरी गली में कौन दो नहीं साथ जा सकते, तो ईश्वर कृपा और अहंकार। संत कबीर किसे पास रखने को कहते हैं, तो निंदक को, यानी निंदक माने जो आपकी बुराई करता है। कबीर के अनुसार अपने निंदक को क्या करनी चाहिए, तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी जब भी आपका कोई शिकायत करे तो उसके बारे में सोचना चाहिए। निंदक क्या करता है, तो हमारी कमियों की तरफ संकेत करता है। निंदक हमारी कमजोरियों को कैसे दूर करता है, तो हमारी आलोचना करके, यानी हमारा शिकायत करके। कबीर साहब कैसे हेरा गए, तो हेरते हेरते, हेरा माने भूला गए थे। कबीर के अनुसार क्या नहीं ढूंढा जा सकता, तो समुद्र में विलीन बूंद को, यानी समुद्र में पड़ा एक बूंद पानी। जल एवं कुंभ के माध्यम से कबीर दास जी ने क्या कहना चाहा है, तो ईश्वर और जीव की अभिन्नता को। कुंभ के अंदर का पानी और कुंभ के बाहर का पानी किसके प्रतीक है, तो जीव और ईश्वर के। कुंभ का क्या तात्पर्य है, तो शरीर। ज्ञानी लोगों के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। इस दोहे में कबीर दास जी की विचारधारा के दर्शक होते हैं, तो रहस्यवादी। मस्जिद किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से। मुल्ला कहते हैं, तो इस्लाम धर्म प्रचारक को। कबीर दास जी ने इस अंश में किसका विरोध किया है, तो धर्म के नाम पर आडंबर और ढकोसले का। कबीर का प्रिय छंद है दोहा। कबीर के गुरु थे कमाल। कबीर की रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सी कबीर की रचना नहीं है, तो रामायण। कबीर के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है, गुरु मिलने पर। कबीर संगति साधु की का क्या फल होता है, कभी भी निष्फल नहीं होता है, मैंने आपको फल देगा ही, आपको लाभ होगा ही।
बूंद समानी समुंद में समुंद किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है तो परमात्मा का। फूटा कुंभ का जल, जल ही समान, यह कुंभ किसका प्रतीक है तो यह शरीर का प्रतीक है। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा नरंद, यह किसकी रचना है तो कबीर दास जी का। तब गुरु मिलिया आई, गुरु कब मिलेंगे, गोविंद की कृपा से। चलिए अगला देख लेते हैं, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था तो कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ माना जाता है ये तो मैंने बता दिया। कबीर दास शैशवावस्था में कहाँ पाए गए थे तो ये भी मैंने बता दिया हूँ आपको। कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था तो कबीर दास का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। दंपति माने पति पत्नी। कबीर दास जी के तथा कथित माता पिता क्या करते थे तो कबीर दास के तथा कथित माता पिता कपड़ा बुनने का काम करते थे। कबीर दास ने अपनी शिक्षा के बारे में क्या कहा है तो कबीर दास जी ने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में कहा है, मसी कागज द छुयो नहीं कलम गहयो नहीं हाथ। कबीर के गुरु कौन थे तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। कबीर किस शाखा के संत थे तो कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के संत थे। कबीर दास ने कैसे ज्ञान अर्जन किया तो कबीर दास जी ने स्वाध्याय एवं सत्संग से ज्ञान अर्जन किया। मूर्ति पूजा के बारे में कबीर दास का क्या कहना है तो कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उनका मत था कि ईश्वर निर्गुण निराकार हैं, वह सर्वत्र विराजमान है। निर्गुण निराकार माने उनका कोई अपना आकार नहीं है। कबीर की विचारधारा को मानने वाले क्या कहे जाते हैं तो ये तो मैं बताया था अभी। कबीर के गुरु से कहाँ भेंट हुई तो कबीर की बनारस के राम गंगा घाट की सीढ़ियों पर गुरु से भेंट हुई। गुरु रामानंद जी ने उन्हें मैंने कबीर को क्या गुरु मंत्र दिया तो गुरु रामानंद जी ने कबीर को गुरु मंत्र देते हुए कहा था, राम नाम कह। कबीर दास जी क्या गृहस्थ संत थे? हाँ, कबीर दास जी गृहस्थ संत थे। कबीर की पत्नी का नाम क्या था तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर के बच्चों का नाम क्या था? कबीर के बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। कैसे पता चलता है कि कबीर की संतानें थी? स्वयं कबीर ने कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। कबीर ने ज्ञान अर्जन के लिए क्या किया है तो कबीर ने ज्ञान अर्जन के लिए पर्यटन किया और सत्संग की। कबीर ने पंडित किसे कहा है? कबीर ने कहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने किसकी महिमा गाई है तो कबीर ने गुरु की महिमा गाई है। उनके अनुसार शीश कटाए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। कबीर दास जी ने जीवन को कब तक अधूरा माना है तो जब तक गुरु की अनुकंपा जीवन को नहीं मिलती तब तक हमारा जीवन अधूरा है, ऐसी कबीर की मान्यता थी। कबीर की भाषा को क्या कहा गया है तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया है। कबीर साहब ने जीवन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है तो सबसे अधिक महत्व उन्होंने सत्संग को दिया है। कबीर के अनुसार गुरु क्या करता है तो कबीर के अनुसार गुरु ही हमारे जीवन का दिशा निर्देश देता है। कबीर के अनुसार हम कब मान ले कि हमारे जीवन में गुरु आगमन हो गया है तो कबीर दास जी के अनुसार गुरु मिलिया तब जानियो मिटे मोह तन ताप। कबीर ने अपनी बात को कहने के लिए कौन सी शैली अपनाई है तो कबीर ने अपनी बात को कहने के लिए गीत की शैली अपनाई है। कबीर साहब ने गुरु के बारे में क्या कहा है तो कबीर दास जी ने गुरु के बारे में कहा है कि गुरु के संदेश को, उनके ज्ञान प्रकाश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा कब तक नहीं होगी तो हमारे जीवन में जब तक कपट अहंकार और दंभ जैसे दुर्गुण रहते तब तक गुरु की कृपा नहीं होगी।
हमारे जीवन में गुरु की कृपा आ जाने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारे जीवन में गुरु की कृपा आ जाने पर हमें उसे कभी नहीं बिसराना चाहिए। अपनी प्रथम तीन शाखियों में कबीर दास जी ने किसके महत्व का प्रतिपादन किया है, तो अपनी तीन प्रथम शाखियों में कबीर ने गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। कबीर के अनुसार जीवन पर ईश्वर की कृपा कब होती है, तो कबीर के अनुसार जीवन पर जब मोह और अहंकार से मुक्ति हो जाता है तब उस पर ईश्वर की कृपा होती है। कबीर दास के अनुसार हमें किसे गुरु मानना चाहिए, तो कबीर के अनुसार हमें ज्ञानी निर्लोभी और चरित्रवान को अपना गुरु बनाना चाहिए। सच्चा गुरु क्या करता है, तो सच्चा गुरु पंथ दिखाओ वनहार है। वह अपने शिष्य के भौतिक लोचक को खोलकर उसमें दिव्य दृष्टि का समावेश कर देता है। गुरु लोचन अनत उघारिया अनत दिखावन हार होता है। संगति का क्या महत्व है, तो भक्तिकालीन संतों ने संगति की बहुत महिमा गाई है। हमारे जीवन में सत्संगति का बड़ा महत्व है। कबीर ने व्यक्ति को गर्व न करने की सलाह क्यों दी है, तो कबीर के अनुसार जीवन के पास गर्व करने लायक कोई वस्तु नहीं है। यह तन झूठा है, नश्वर है, नाशवान है, जो अस्थाई नहीं है उस पर गर्व क्या करना। तिरगुण से कभी क्या कहना चाहते हैं, तो तिरगुण से कभी तीन गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में कहना चाहते हैं। कबीर दास के अनुसार साधु की संगति से क्या होती है, तो कबीर के अनुसार साधु की संगति से मनुष्य का हृदय निष्काम होता है। अंधे ही अंधा ठेलिया दोनों कुप पड़ंत, किस प्रसंग में दोनों की चर्चा की गई है। अज्ञानी गुरु का शिष्य अज्ञानी ही होगा। यदि गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे को ठेलते हुए मार्ग पर चलेंगे तो दोनों ही पतन के कुएं में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। जल और कुंभ से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ जल से अभिप्राय संसार से है और कुंभ से अभिप्राय शरीर से है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, कुंभ किसे कहा गया है, तो कुंभ अर्थात घड़ा शरीर को ही इंगित किया गया है। निंदक नेड़ा राखिए आगन कुटी बसाई, इस पक्ति का अभिप्राय बताइए। तो निंदक को अपने सामने ही आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह पानी और साबुन के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। बुंद समाही समंध में शोकत हेरी जाए, बुंद और समंध से क्या अभिप्राय है, बुंद आत्मा और समंध परमात्मा है। सच्चे मित्र का धर्म क्या है, तो सच्चे मित्र का धर्म है कि वह मित्र के दुखों को देखकर दुखी हो। दुनियों बूढ़े धारा में मैं चढ़ी पाथर की नाव, दुनियों शब्द किन्हें इंगित करता है, तो गुरु शिष्य का क्या क्या बहरा हुआ खुदाए, कभी ऐसा क्यों कहता है, तो कभी ब्रह्मचार यों पाखंड के विरोधी थे। निर्मल करे सुभाई, सुभाई शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका अर्थ होता है स्वभाव। चलिए और देख लेते हैं प्रश्न, ये आपका कबीर के पद से है। कबीर माया को किस नाम से संबोधित किया है, तो इसको संबोधित किया ठगनी के नाम से। फांस का मतलब है फंदा। शिव के घर में किस रूप में माया बैठी हुई है, तो भवानी के रूप में। केशव के घर में माया किस रूप में बैठी हुई है, तो कमला के रूप में। पांडा के घर में माया किस रूप में बैठी है, तो मूरत के रूप में। तीर्थ स्थानों में माया किस रूप में है, तो पानी के रूप में। जोगी के यहाँ माया कैसी बैठी है, तो जोगिन के रूप में। राजा के घर में माया किस रूप में विराजमान है,
तो रानी के रूप में। आम आदमी के घर माया क्या स्वरूप है, तो लक्ष्मी के रूप में। ब्रह्मा जी के यहाँ माया कैसे बैठी है, तो ब्राह्मणी के रूप में। भक्त के यहाँ माया किस रूप में विराजमान है, तो भक्तिन के रूप में। कबीर दास के अनुसार किसकी कहानी अकथनीय है, तो माया की। कबीर दास जी के अनुसार कौन जीव को फंसाए हुए हैं, तो माया। कबीर ने इस तन को झूठा क्यों कहा है, तो यह नश्वर है। किसको पल भर के लिए लोग घर में नहीं रहने देते, तो मृत देह को। प्राण निकल जाने पर इस देह का लोग क्या करते हैं, तो घर से बाहर निकाल कर जला देते हैं। जिस सिर को सजाकर रचाकर सुंदर पगड़ी बांधते हैं, उसकी गति क्या होती है, तो कौवे उसे चोंच से विदीर्ण कर देते हैं। चिता पर हड्डियाँ कैसे जलती है, तो लकड़ी की तरह। कबीर साहब जीवन को क्या संदेश देते हैं, अब चैतन्य हो जाओ। कबीर साहब किसे शुद्ध करने की बात करते हैं, तो अपनी आत्मा को। तब गुरु मिलिया आए, गुरु कैसे मिलेंगे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कबीर के गुरु कौन थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कबीर की वाणियों का संग्रह कौन सा संग्रह है, ये भी बताया हूँ, बीजक। चलिए अति लघुत्रीय प्रश्न देख लेते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, जल और कुंभ से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ जल से अभिप्राय संसार से है और कुंभ से अभिप्राय शरीर से है। माया महाठगनी हम जानी, माया को ठगनी क्यों कहा गया है। माया अपने हाथों से त्रिगुण फंदा, माने सत रज तम लेकर अपनी मीठी वाणी से सबको अपने फंदे में ले लेती है, तथा वह विभिन्न रूप धारण करके हमारे जीवन में आती है, इसीलिए कबीर ने माया को ठगनी कहा है। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केश जरे जैसे त्रिकने कूरी, माने इसका अर्थ स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर ने शरीर की नाश्वरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस शरीर पर हम इतना गर्व करते हैं, मरने के बाद हड्डियाँ ऐसे जलती है जैसे सूखी लकड़ी, तथा केश सूखे घास की तरह जलते हैं। माया को कबीर दास जी ने क्या कहा है, तो माया को कबीर दास जी ने ठगनी कहा है। माया किस रूप में और कहाँ बैठी हुई है, तो माया स्त्री रूप है और वह नारी के रूप में हर जगह विद्यमान है। शिव के यहाँ शिवा के रूप में, केशव के यहाँ कमला के रूप में, जोगी के यहाँ जोगिन के रूप में, कहीं लक्ष्मी के रूपा तो कहीं भक्तिन रूप है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी के रूप में विद्यमान है। जिस शरीर को हम घी दूध खाण आदि खाकर पुष्ट करते हैं, उसकी गति क्या होती है। जिस शरीर की हम रक्षा करते हैं, उसे शीत धूप से बचाते हैं, वही शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, उसकी गति यही होती है कि उसे आग में डाल कर जला देते हैं। हमारा शरीर कैसे जलता है, तो हमारा शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह तथा चमड़ा और केश घास की तरह जलते हैं। शरीर की इस अघोगति को जानते हुए भी हमें क्यों नहीं चेतते, तो अपनी मूढ़ता अज्ञानता के कारण हम आज भी इन नहीं चेतते और ईश्वर को भूल बैठते हैं। जही सिरी रची रची बांधत पागा, यहाँ पागा से संकेतिक अर्थ को बतलाइए, तो पागा का संकेतिक अर्थ पगड़ी से है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।